कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, अब हो रही है 12 बजे। मैंने वहाँ से एक दूसरा टैग लगवाया सुबह, उसके बाद दूसरे टूल पे आके दूसरा टैग लगवाया, उस पर तो लगवाया नहीं, उस पर पेटीएम कर दिया, और अब इतनी दिक्कत हुई। उसके बाद 2 घंटा बहुत दिक्कत हुई, अब तो बच गए 2 बज के, अब जाके टाइम मिला है, और अभी नाश्ता किया है बस, और अभी हिसार में रुकूँगा, अभी तो खाली हो गई डब वाली साइड में, खाली हो गई गाड़ी मेरी, और यहाँ से खाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अब आगे देखते हैं। और आज ही कह रहे हैं मोहाली का है, शायद मोहाली का चक्कर है। मैं आज तो भाई मेरे बस की है नहीं, रात में तो सो गया था, 2 बजे 3 बजे सो गया था शायद, और आज तो अपने बस की है नहीं अब इतनी गाड़ी चलाना। अभी भी दिल्ली पहुंचने में 300 किलोमीटर है, शाम तक पहुंच जाऊंगा, पर अभी रुक के ही जाऊंगा, पहुंच तो जाऊंगा। इतनी गाड़ी चलानी पड़ रही है इस समय, क्या बताऊँ। दिवाली का समय था तो बात अलग थी, अब दिवाली भी पार हो गई, फिर भी काम चल रहा है, अभी चलना चाहिए, अच्छी बात है, पर अब देखते हैं आगे, और आगे ही खाना खाऊंगा। रात में तो बहुत पंगा हुआ, ये फास्टैग है नया, दूसरा यहाँ लगा हुआ था, दूसरा उसको उखाड़ के देख दिया, फिर ये नीचे वाला लगाया, और यहाँ ट्राली, बहुत ट्राली है, ट्रैक्टर वाले बहुत है, यहाँ ट्रैक्टर वाले भाई बहुत है, यहाँ ट्रैक्टर है ही है ज़्यादा, पंजाब साइड लगता है ना, पंजाब बॉर्डर लगता है इधर। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, क्या बताओ, बहुत तेज़ धूप हो रही है, देखो बहुत धूप हो रही है, और धूप की साइड से लग भी रही है, धूप तो लगेगी। आई हेट फास्टैग, कौन सी गाली दूँ मैं, आई हेट फास्टैग, चेंज करा लिया, पैसे 1200 रुपये हैं, ब्लैक लिस्ट दिखा रहे इसकी, आई हेट फास्टैग। ये फास्टैग वाले तो और अपनी ऐसी तीसी करा के बैठे हुए हैं, इससे बढ़िया कैश सही था, मालिक पैसे दे देता था, जेब में रहते थे इनकी। आधा घंटा हो गया, आधे घंटे ज़्यादा, मैं अब सुबह 2 घंटा परेशान रहा, अभी फिर कह रहे हैं गाड़ी बैक कर ले भाई, साइड में लगा ले, कोई मतलब ही नहीं है, बंदा परेशान हो रहा है, क्या है क्या नहीं, मैं 10 दिन से ऐसे ही परेशान हूँ, इसमें ब्लैक लिस्ट शो हो रहा है, तो भाई मेरे को बताओ तो सही, इसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है, क्या नहीं है, कोई बंदा कोई बताने को राजी नहीं है, क्या है, बस ब्लैक लिस्ट है। पैसे अभी डाले हैं, आधा घंटा हो गया, और अभी कह रहा है एक्टिव नहीं हुए पैसे। ये है सिरसा से पहले इधर डब वाली साइड में टूल, मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया, हेट, आई हेट, क्या बोलूँ मैं, इतना ख़राब रूल है ना, 1700 रुपये पड़े मेरे फास्टैग में, लो बैलेंस। मैंने दोबारा से फिर अभी एक पर्ची कटवाई, पैसे हैं उसके बावजूद पर्ची फिर भी कटवा रहा हूँ, लो बैलेंस हो रहा है, एक तरफ का 95 रुपीज़ है और डबल लिया है कैश में, अब मैं क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पर्ची कटवा के इतनी पर्ची होगी, पैसे हद से ज़्यादा 1700 रुपये हैं, अब सोचो इसमें 1700 रुपये हैं, उसके बाद भी पैसे कम हो रहे हैं इनके लिए, लो बैलेंस दिखा रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूँ। और ये फास्टैग जो सुबह नया लगवाया था उस समय तो निकल गया था, उस समय जैसे लगाया मैंने एक्टिव हो गया, मैं निकल गया वहाँ से, आते समय रिटर्न में फिर ये पंगा हो गया, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसका, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा इसका, समझ में नहीं आ रहा है, 2 घंटे से अभी भी यहाँ ही परेशान था, बेकार है फास्टैग, इतने पैसे होने के बाद भी लो बैलेंस, ब्लैक लिस्ट, क्या कर सकते हैं। और मैंने अभी ब्लॉग बनाया नहीं बीच में काफ़ी देर से, अब मैंने दिल्ली गया, गैस डलवाया, घर पे नहीं जा पाया, और बॉर्डर से ही गैस डलवा लिया, और अब फिर जा रहा हूँ बादली से, कल मोगा की लोड होगी, तो अब बज गए, रात में बज गए यहाँ पे 1 बज गया, अब गैस फुल हो गई गाड़ी में, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब उसके बाद कल लोड होगी सुबह, फिर निकलेंगे मोगा के लिए,
एक घंटा और लग जाएगा मेरे को बादली पहुंचने में, यानी कि 1 बज गया, 2 बजे तक सोऊंगा, 2 बजे तक नींद आएगी नहीं, और थोड़ा एडिटिंग भी करनी पड़ेगी वीडियो की, तो 3 बज जाएगा, 3 बजे करीब सोऊंगा, फिर सुबह उठना पड़ जाएगा जल्दी। अभी बीच में व्लॉग बनाया नहीं काफ़ी देर से, गैस वैस ले रहा था मैं, ध्यान भी नहीं था उतना। और ये बादली पकौड़ा चौक, बादली नहीं है बहादुरगढ़ पकौड़ा चौक है, ये पता होगा सबको, पकौड़े मशहूर हैं यहाँ के। ये हैं 2-4 दुकान और उस साइड है, और ये मैं बादली के लिए मुड़ गया। एंट्री हो गई, अब दूसरी जगह जहाँ एंट्री होती है वहाँ तो अभी कोई करेगा नहीं, सुबह ही करेंगे वहाँ पे। और अब मैं यहीं साइड में लगा के आराम से सो जाऊँगा। ये यहाँ से लोड होगी सामने वाले बियर हाउस से, अभी तो एंट्री होगी नहीं, सुबह ही होगी। अब मैं यहाँ पे लगा के आराम से सो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब यहाँ लगा के सो जाऊँगा। यहाँ से सामने से लोड होगी कल, यह इधर से होगी या उसके पीछे है, देख रहे होंगे आप गाड़ी लग रही है, उधर से, उधर से, कहीं से भी हो सकती है, तो कल पता चलेगा। अब तो नींद आ रही है, अब नींद आ रही है बहुत तेज़, आज भी सारा दिन गाड़ी चलाया, अब पहुँचा, कल लोड होगी। अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए नहीं, अब गुड नाइट, अब सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट।